इसमें ये महात्मा लोग बतावे कि जैसे और कांड के नाम जब भगवान ने, एक तो जहाँ भगवान की लीलाएं मान लो अयोध्या जी में हुई तो अयोध्या अयोध्या कांड हो गया, लंका में युद्ध हुआ तो लंका कांड हो गया, तो ऐसे ही ये सुंदर नाम के जहाँ सीता जी रह रही थी, लंका के तीन शिखर थे, त्रिकूट था ये, तो एक का नाम था त्रिकूट, एक का नाम था नीलगिरी, और एक का नाम था सुबेल शिखर, और तीसरे का नाम था सुंदर शिखर। तो जो त्रिकूट पर्वत पे तो रावण भाग रहा था, उसका महल था, और जो सुबेल शिखर था महायुद्ध हुआ वो मैदान था, महायुद्ध हुआ था, और एक था सुंदर शिखर उस पर वो था जहाँ सीता जी को रखा था रावण ने, अशोक जहाँ वाटिका अशोक अशोक वाटिका, वाटिका तो वो उसका नाम सुंदर शिखर था। तो एक कारण यो भी था कि इसका नाम ऐसी पे सुंदर। सारी लीलाएं हुई हो हाँ हनुमान जी की, सीता को उसकी, सीता तो जी के टाइम इसलिए है इसका सारा नाम काम। सुंदर कांड भी रखा गया। और दूसरे दूसरा भी कारण बता रहे हैं महात्मा लोग कि इस कांड की कथा इस शिखर पर हुई थी इस कारण से, अरे इस कांड में सबको सुंदर ही सुंदर है, यो सुंदर कांड जो है ना इसमें सबको सुंदर है। कि सुंदर क्या क्या है इसमें, जब हनुमान जी ने जिस पर्वत पर छलांग लगाई थी वो बड़ा अच्छा सुंदर था, अच्छा सिंधु तीर एक एक भूधर भूधर सुंदर, सुंदर उसका कौतुक नाम कूद चातो चढ़ाई तारुपर, थे वो भी वो। बहुत सुंदर था। हाँ वो भी सुंदर था। अच्छा लंका का जो परिकोटा था वह बड़ा सुंदर था, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर आयत सुंदराय नागना, पलायन वो बड़ा सुंदर था, तो इसलिए भी सुंदर कांड का नाम है। दो। और जब प्रभु को हनुमान जी जिस मुद्रिका को लाए थे, अंगूठी को लाए थे, सीता जी को दी थी, वो भी बड़ी सुंदर थी, तब देखी मुद्रिका मनोहर राम राम नाम नाम अंकित अंकित अति अति सुंदर, सुंदर वो तीन भी बहुत सुंदर थी, तो इसलिए भी इसका सुंदर का नाम रख जा दिया। गया होगी। तो फिर अशोक की वाटिका में जो फूल फल लग रहे थे वे भी बड़े सुंदर थे, अरे वे चार भी बड़े स्वादिष्ट थे। सुनाऊ मात मोहि अतिशय भूखा, लाल देखी भूखा लाग सुंदर सुंदर फल फल रूखा, रूखा। वहाँ के पेड़ भी बड़े सुंदर सुंदर थे, वहाँ के फल भी बड़े सुंदर सुंदर थे। तो इस कांड में सारे सुंदर ही सुंदर हैं, और सुंदर कांड की पूरी जब कथा सुना ली शिव जी ने पार्वती जी को, तो शंकर जी सुनाते सुनाते उनकी तो समाधि लग गई, खो गए कि मैं क्या था, जब उन्होंने हाँ कहा कि राम जी के चरणों में पड़ा, तो शंकर जी कथा सुनाते सुनाते उनकी आंख बंद हो गई। तो बड़ी मुश्किल से पार्वती जी ने कहा कि शंकर जी कहाँ खो गए, ये तो कथा अधूरी रह जाएगी, जागो। तो मैं तब वो सुंदर कथा फिर शंकर जी सुनाने लगे, पाँच हो गई सावधान कर मन पुरी शंकर, लागे लागे कहन कहन कथा कथा अति सुंदर। सुंदर। तो इस तरह सुंदर कांड में सबको सुंदर ही सुंदर है। पांच हाँ पांच बार तो आ गए। पांच आ गए। इस तरह पंच तो परमेश्वर है। तो हाँ पर हनुमान जी इस तरह परमेश्वर से, हो। तो हनुमान जी की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। तो और आप कहो तो एक आज सुंदर सुना दो बिल्कुल सारी सुना दो। एक आज क्यों।